तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं तहाड़ी, इसे वेज मसाला पुलाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 ग्लास चावल, इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया और धोने के बाद इसको मैंने अलग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, जैसे मेरा प्रेशर कुकर में थोड़ा गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2.5 चम्मच तेल। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का अनियन, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे मेरे तेल गर्म हो जाएंगे मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने कांदे। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा कांदा थोड़ा पिंक होने लगेगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच घी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें कांदे को तब तक भूनना जब तक ये ब्राउन ना होने लगे। जैसे हमारे ब्राउन होने लगेंगे हम इसके अंदर डाल देंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पर खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, 4 से 5 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 करण फूल के टुकड़े, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और थोड़े से काजू के टुकड़े। काजू का टुकड़ा ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसे तेल में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको भूंज लेंगे ताकि इसका स्मेल रिलीज हो जाए, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पुलाव में। जैसे हमारा स्मेल रिलीज हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने मिर्ची भी पीस लिया था मिक्सर में, तो यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची भी लिया था इसके साथ साथ। तो जैसे ही हमारा ये रॉ स्मेल निकल के हो जाएगा अदरक लहसुन का, तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 मिर्ची, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, इसको मैंने अच्छे तरीके से मीडियम साइज में कट करके इसको अच्छे तरीके से धो के यहाँ पे मैंने डाल दिया है। 1/2 चम्मच नमक और इसे अच्छे तरीके से हम भूंज लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 विसल आ चुका है, यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन ऑन कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा तेल भी रिलीज हो गया है और प्लस मसाले भी मेरे भूंज गए हैं। यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ मेरे आलू पके कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 30-40% पक चुके हैं। तो तहाड़ी के लिए हम मेन मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप दही, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों ही मिक्स है, तीखी वाली और कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने मसाला भूंज के रखा था हम उसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसे भी अच्छे तरीके से भूंज लेंगे। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है प्रेशर कुकर का लिड, हमें इसे तब तक भूंजना है जब तक इसका तेल रिलीज ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा तेल अच्छी तरीके से रिलीज हो गया, तो भी मैं एक बार हाई फ्लेम पे इसे भूंज लूंगी। तो यहाँ पर मेरा भूंज के हो गया है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सी कोरिएंडर धनिया, और जो हमने चावल धो के रखा था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 नींबू का रस, जिससे यहाँ पर मेरे चावल बहुत ही खिले खिले होंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 4 कप में यहाँ पे मैंने लिया था चावल, तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ 8 ग्लास पानी। आप अपने हिसाब से भी पानी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा दूंगी इसका प्रेशर कुकर का लिड और 1 विसल आने तक का वेट कर लूंगी, और उसके बाद मैं 4 से 5 मिनट के लिए पका लूंगी। ये प्रेशर कुकर में है तो बहुत जल्दी हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा तहारी वेज मसाला पुलाव रेडी है, हम इसको रायते के साथ सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेस्टी एकदम बन के रेडी हुआ। Thank you.